हमारा टॉपिक चल रहा है साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण एवं क्षेत्रीय विस्तार, जिसके अंतर्गत हम कर चुके अकबर, उसके पश्चात हमने किया जहांगीर और आज हम करेंगे शाहजहां। शाहजहां का समय है 1627 से 1658 ईस्वी। शाहजहां के बचपन में खुर्रम जगत गुसाई के नाम से पुकारते थे और इनका जन्म है वो 5 जनवरी 1592 ईस्वी में मारवाड़ की राजकुमारी जोधाबाई के गर्भ से हुआ है। कुशाग्र बुद्धि, युद्ध कला में प्रवीणता का परिचय देने के कारण वह आरंभ से ही अपने पिता का उत्तराधिकारी समझा जाता। उसके बड़े भाई खुसरो का अपने पिता के प्रति दुर्व्यवहार के कारण भी उत्तराधिकार के संबंध में खुर्रम को वरीयता दी जाती थी। 1608 ईस्वी में उसे हिसार फिरोजा की जागीर दी गई, जो प्राय युवराज की जागीर समझी जाती थी। जहांगीर के राज्यकाल में उसने अनेक महत्वपूर्ण युद्धों का संचालन किया। जब नूरजहां ने शहयार को जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाने का प्रयास किया तो खुर्रम को विवश होकर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह करना पड़ा, किंतु अंत में उसे अपने पिता से क्षमा याचना भी करनी पड़ी। राज्यारोहण शाहजहां का देखे तो जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने अपनी राजसत्ता को बनाए रखने हेतु अपने भाई आसफ खां को बंदी बनाने का प्रयास किया, क्योंकि वह खुर्रम का प्रबल समर्थक था। आसफ खां अपनी बहन के इरादे को भांप गया, अतः उसने साम्राज्य के प्रमुख अमीरों को खुर्रम की ओर कर खुसरो के पुत्र दावर बख्श को सम्राट घोषित कर दिया। साथ ही उसने शाहजहां को दक्षिण में सूचना भिजवा दी कि वह शीघ्र दिल्ली पहुंचे। इसी बीच शहयार ने अपने आप को सम्राट घोषित किया और शाही खजाने पर अधिकार करके एक विशाल सेना एकत्रित कर ली, किंतु आसफ खां लाहौर के पास शहयार से भिड़ गया। शहयार पर आस्त हुआ और उसे बंदी बनाकर उसकी आंखें निकलवा ली गई। उधर शाहजहां आसफ खां की सूचना प्राप्त होते ही दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। उसने आसफ खां को गुप्त सूचना भिजवा दी कि दावर बख्श सहित सभी राजकुमारों को मौत के घाट उतार दिया गया। आसफ खां ने आदेश का पालन किया, फरवरी 1628 ईस्वी के आरंभ में आगरा पहुंचा और 6 फरवरी 1628 को मुगल तख्त पर आसीन हुआ। इस अवसर पर उसने खुतबा पढ़वाया, सिक्के ढलवाए और सिजदा बंद करवा दिया। अपने ससुर आसफ खां को 8,000 जत और 8,000 सवारों का मनसब देकर वजीर पद से नवाजा गया। महाबत खां को 7,000 जत और 7,000 सवारों का मनसब देकर उसे खाने खाना की उपाधि दी गई। नूरजहां की बात करें तो नूरजहां को है वो पेंशन दे दी गई और वे लाहौर के पास शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने का उन्होंने निश्चय किया। यहाँ पर रहकर नूरजहां ने अपने पति का मकबरा बनवाया और दान दक्षिणा के अनेक कार्य करते हुए 1645 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। खानेजहां का लोदी का विद्रोह। खानेजहां के शासनकाल में अनेक विद्रोह हुए, जिनमें शाहजहां के शासनकाल में अनेक विद्रोह, जिसमें पहला विद्रोह का सामना उसे जो करना पड़ा बादशाह बनने के पश्चात वह था खानेजहां लोदी का विद्रोह। नूरजहां ने जब महाबत खां को बंगाल स्थानांतरित किया था तब खानेजहां लोदी को दक्षिण में राजकुमार परवेज का सलाहकार नियुक्त किया गया था। अपने पदकाल में उसने निजाम शाह से घूस लेकर बालघाट का प्रदेश उसे दे दिया था। जहांगीर की मृत्यु हुई उसके उपरांत शहयार का पक्ष लिया था, किंतु अंत में आत्मसमर्पण भी कर दिया और सम्राट से क्षमा याचना भी गई। शाहजहां ने उसे क्षमा भी किया और दक्षिण की सूबेदारी भी उनकी कंटिन्यू रखी गई। शाहजहां ने उससे बालघाट जीतने का आदेश ले दिया, लेकिन असफल रहने पर उसे वापस बुला लिया गया। उसके स्थान पर महाबत खां को नियुक्त कर दिया गया। आगरा लौटने पर वे काफी अप्रसन्न रहने लगे और साथ ही उन्होंने दरबार में जाना भी बंद कर दिया। उसके इस व्यवहार से सम्राट क्रुद्ध हो उठा और जिसको भापते हुए वह दक्षिण की ओर भागा। शाही सेना ने उसका पीछा कर चंबल के पास उसे परास्त किया और यहाँ से भागकर वह अहमदनगर गया तथा निजाम शाह की सहायता से कुछ मुगल प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। अतः दिसंबर 1625 ईस्वी में स्वयं शाहजहां दक्षिण की ओर गया और तीन ओर से उसके विरुद्ध सेना भेजी। खानजहां परास्त होकर दौलताबाद की तरफ भागा और शाही सेनाओं द्वारा पीछा करने पर वह उत्तर की तरफ आया।
मार्ग में बुंदेलखंड के राजा जुजार सिंह के पुत्र विक्रमजीत ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसके अनेक साथियों को मौत के घाट उतार दिया। खाने जहां यहां से भागा, लेकिन बांदा जिले में सिहोदा नामक स्थान पर पकड़ा गया और साथ ही साथ मारा भी गया। बुंदेलखंड का विद्रोह, नेक्स्ट विद्रोह है बुंदेलखंड का, और इसमें अकबर के शासनकाल में सलीम के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। अतः जहांगीर ने उसे उच्च पद दिया और वीर सिंह की मृत्यु के बाद जुजार सिंह गद्दी पर बैठा और शाहजहां की सेवा में आगरा आ गया। जुजार सिंह के पुत्र विक्रमजीत ने प्रजा पर अमानुष्य अत्याचार कर अवैध धन संग्रह करना शुरू किया और शाहजहां ने एकत्रित करों की जांच का आदेश जारी कर दिया। इस पर जुजार सिंह और लौटा आया और सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तब शाहजहां ने महाबत खां को जुजार सिंह के विरुद्ध भेजा और शाही सेनाओं से सामना करने के लिए वह असमर्थ, जिस वजह से उसने आत्मसमर्पण कर दिया। फरवरी 1629 ईस्वी में 1629 ईस्वी में सम्राट ने उसे क्षमा दान दिया और 5 वर्ष तक उसने दक्षिण में निष्ठापूर्वक मुगलों के लिए कार्य किया। 1634 ईस्वी में वह ओरछा लौटा तथा उसने काफी धन संपदा एकत्रित कर ली। इतना ही, उसने चोरगार सहित गुडवाना को बुंदेलखंड में मिला लिया और क्रुद्ध शाहजहां ने शहजादे औरंगजेब को उसके विरुद्ध भेजा। औरंगजेब ने बुंदेलखंड के कई भागों पर कब्जा कर लिया और जुजार सिंह शाही सेना से परास्त होकर अपने पुत्र विक्रमजीत सहित जंगलों की ओर भाग गया। लेकिन वहां जो घोड़ों ने पिता पुत्र को मार डाला और जिन बुंदेला स्त्रियों को जौहर का समय नहीं मिला, उन्हें बंदी बनाकर शाही महल में दासी बना दिया गया। जुजार सिंह के 2 पुत्रों को मुसलमान बना लिया गया और तीसरे को इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसने उस इस्लाम धर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ओरछे के मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, भव्य मंदिर भवनों को मस्जिद में तब्दील किया गया। जुजार सिंह के एक संबंधी देवी सिंह ने मुगलों की सहायता कर लिया था, उसे ओरछा दे दिया गया और किंतु बुंदेला ने देवी सिंह को राजा मानने से इनकार कर दिया। महोबा के चंपत राय तथा उसके पुत्र छत्रसाल ने कई वर्षों तक मुगलों को तंग किया और अपना स्वाधीनता संग्राम जारी रखा। इसी बीच 1631 ईस्वी में शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल का बुरहानपुर में देहांत हो गया, जिससे शाहजहां को गहरा धक्का लगा। उसे बुरहानपुर के एक बगीचे में दफना दिया गया, किंतु उस समय तक उसका शव आगरा मंगवाकर यमुना के किनारे दफनाया गया, जहां शाहजहां ने अपने दाम्पत्य प्रेम का प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल बनवाया था। पुर्तगालियों ने पहले भारत के पश्चिमी तट पर अपने पैर जमाए, फिर व्यापार के बहाने बंगाल तक फैल गए। अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण उन्होंने हुगली जिले में हजारों लोगों को बलात् ईसाई बना दिया। लोगों का अपहरण कर उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया। इस पर शाहजहां ने पुर्तगालियों का दमन करने हेतु एक सेना भेजी। शाही सेना और पुर्तगालियों के बीच लगभग 3.5 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा और अंत में पुर्तगाली परास्त हुए। सैकड़ों पुर्तगालियों को मौत के घाट उतार दिया गया। लगभग 400 पुर्तगालियों को बंदी बनाकर आगरा लाया गया। इनमें से जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया, उन्हें सम्राट की सेवा में ले लिया गया। जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, उन्हें अमीरों में बांट दिया गया। अमीरों के पास वे बंदी जीवन व्यतीत करने लगे। बर्नियर लिखता है कि बादशाह ने पादरियों, साधुओं और बच्चों के प्रति क्रूरता का व्यवहार किया। विवाहित और अविवाहित सुंदर स्त्रियों को शाही हरम में रख लिया और सुंदर नहीं थी या जिनकी आयु अधिक थी वे उमरावों को दे दी गई। छोटे छोटे बच्चों का खतना कर उन्हें गुलाम बना लिया और प्रौढ़ों को भयभीत किया गया। यदि वे इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करेंगे तो उन्हें हाथी के पैरों से कुचलवाकर मार दिया जाएगा। अतः विवश होकर उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया। बर्नियर का यह कथन अतिशयोक्ति भरा, लेकिन फिर भी कट्टर पुर्तगाली ईसाइयों के प्रति कट्टरता की नीति सर्वथा न्याय संगत थी। मध्य एशियाई दक्षिण की नीति यदि हम देखें तो अकबर ने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर उन्हें अपने अधीन किया था, किंतु बाद में दक्षिण भारत में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए और इन्हें पराजित करने का कार्य शाहजहां के द्वारा है वो किया गया।
शाहजहाँ के अंतिम दिन की यदि हम बात करें तो सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहाँ की गंभीर रूप से बीमार हो गया। अपना अंत समय निकट जानकर शाहजहाँ ने अपने साम्राज्य का भार अपने ज्येष्ठ पुत्र दारा को सौंपा था। शाहजहाँ का अंत निकट समझ उनके पुत्र दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष आरंभ हुआ और युद्ध के दौरान औरंगजेब आगरा आया और शाहजहाँ को बंदी बना लिया। शाहजहाँ ने 8 वर्ष तक बंदी जीवन व्यतीत किया। आगरा दुर्ग के महल में रहते हुए वह प्राय ताजमहल को देखा करता था। उसकी प्रिय पुत्री जहानारा सदैव उसकी सेवा में रहती थी। उत्तराधिकारी संघर्ष में दारा, मुराद और सूजा के मारे जाने से शाहजहाँ की हृदय वेदना तीव्र हो उठी और उसने अपना सारा समय ईश्वरीय प्रार्थना में लगा दिया। जनवरी 1666 ईस्वी में वह बीमार हुआ और 22 फरवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की आयु में वह इस संसार को छोड़ गया और कठोर एवं निर्दयी औरंगजेब ने शाही सम्मान से उसका अंतिम संस्कार करने की भी अनुमति नहीं दी और साधारण नौकरों व हिजड़ों के द्वारा उसकी अर्थी उठवाकर ताजमहल में उसकी प्रियतमा मुमताज महल के पार्श्व में उसको दफना दिया गया। हमारा टॉपिक चल रहा है साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण एवं क्षेत्रीय विस्तार, जिसके अंतर्गत हम कर चुके अकबर, उसके पश्चात हमने किया जहांगीर और आज हम करेंगे शाहजहाँ। शाहजहाँ का समय है 1627 से 1658 ईस्वी। शाहजहाँ के बारे बचपन शाहजहाँ के बचपन में खुर्रम जगत गुसाई के नाम से पुकारते थे और इनका जन्म है वो 5 जनवरी 1592 ईस्वी मारवाड़ की राजकुमारी जोधाबाई के गर्भ से हुआ है। कुशाग्र बुद्धि, युद्ध कला में प्रवीण का परिचय देने के कारण वह आरंभ से ही अपने पिता का उत्तराधिकारी समझा जाता है।